होली मिलन समारोह में विदेशी राजदूतों के आने से खैरतल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, यह कहना है स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव का, जो खैरतल के सुंदरम गार्डन में खुद के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राम यादव ने कहा कि खैरतल में हुए इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों तक होगा और सभी देशों के नागरिकों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। राम यादव ने कहा कि होली प्रेम का प्रतीक है और भारत विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। खैरतल में होली मिलन समारोह का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन स्नेह फाउंडेशन द्वारा सुंदरम गार्डन में हुआ, जिसमें 7 देशों के राजदूतों और राजनायिकों ने देसी हसलर बैंड के फेमस सिंगर मन सिंह और गोरा सिंह की लाइव परफॉर्मेंस पर डांस करते हुए फूलों से होली खेली। कार्यक्रम में आए कोटे डी आइवर देश के राजदूत MNDRY एरिक कैमिली, त्रिनिदाद एंड टोबेको देश के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल, मेडागास्कर देश के उप राजदूत रेडियानो रिवानो रेडियानी वोर्नी, टसी ओरी लेबनान देश के उप राजदूत जियास कोसा, चिली देश की ट्रेड कश्मीनर मार्सेला जुनीना एलिग्रिया, अल सल्फाडोर देश के दूतावास के आर्थिक सलाहकार स्टीवन एंटीनियो, रामी रेस क्लूए एवर और दक्षिण कोरिया दूतावास की सीनियर रिसर्चर अर्थशास्त्री जुंगवा किम सहित सभी अतिथियों का स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव ने माला पहनाकर साफा बांधकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति को महान बताया और होली के इंटरनेशनल कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजक राम यादव को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अभिनेत्री ऋतु मीणा का भी सम्मान किया गया। इससे पूर्व विदेशी मेहमानों के आगमन पर किशनगढ़ बाग से खैरतल तक आधा दर्जन जगह पर माला पहनाकर और ढोल बाजों के साथ लोगों ने स्वागत किया।